अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सुमैरा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अफोर्डेबल ब्रशेस के बारे में। मैंने पहले भी दो वीडियोस अफोर्डेबल ब्रशेस के बारे में अपलोड की थी, उनमें भी मैंने बहुत ही अफोर्डेबल ब्रशेस के बारे में बताया था, जो ना सिर्फ पॉकेट फ्रेंडली थे बल्कि वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे थे ब्लेंडिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। ब्रिसल्स उनके बहुत ही सॉफ्ट थे। ये ब्रशेस का सेट मुझे रीज़नेबल लगा था, ये मुझे डिलीवरी चार्जेस के साथ 250 का मिला। ये सारे 10 ब्रशेस का सेट था। तो मुझे अच्छा पिक्चर्स में जो दिखाया हुआ था वो तो तकरीबन यही ब्रशेस थे, लेकिन जो बाकी लोगों को रिव्यू में मिले हुए थे, जिन्होंने पिक्चर्स पोस्ट की हुई थी, उनमें 3 ब्रशेस उनको इस तरह के बड़े वाले मिले हुए थे, पाउडर ब्रश टाइप के ब्रश ब्रश ना ऐसे मिले हुए थे, और बाकी जो थे साथ वो इस तरह के ब्रशेस मिक्स थे, किसी में स्पूली भी ऐड था और किसी में ये। तो मैंने जब ऑर्डर किया, मुझे ये इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि अगर आप ये अकेला ब्रश ख़रीदते हैं ना, पाउडर का या ब्रश का कोई भी बड़ा ब्रश ख़रीदते हैं, किसी भी स्टोर से ख़रीदते हैं या किसी मार्केट से ख़रीदते हैं, आपको 100 से लेकर 200-300 तक का अच्छा ब्रश मिलता है एक, और वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर उसकी क्वालिटी लो होगी तो आपको 100 से 150 तक का भी मिल जाएगा, अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो 200 से लेके 300 तक का आपको एक ब्रश इस तरह का मिलेगा। तो डिलीवरी चार्जेस के साथ 250 का ये 3 मुझे बहुत ही रिजनेबल लगा था कि इस तरह के, मैंने कहा अगर 3 मिल जाते हैं और बाकी ये तो बहुत ही अच्छा हो जाता, एक अच्छा पैकेज है। तो जब मैंने ऑर्डर किया और मुझे रिसीव हुआ तो मुझे उनके बदले में ये छोटू वाले ब्रशेस रिसीव हुए, लेकिन नो डाउट कि इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इनके ब्रिसल्स प्लास्टिक वाले वो नहीं है, गंदे से वो जो होते हैं ना शार्प लगने वाले वो नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी ब्रशेस हैं। ये आप देखें, ये वाला तो फ्लैट उसमें आ जाता है, 3 ब्रशेस इसमें ये हैं और बाकी जो हैं उसमें एक जो है, ये तो बिल्कुल ही जो हर किसी को पता होगा, बिगिनर्स अक्सर ये वाले ब्रशेस यूज़ करते हैं, तो अच्छे भी होते हैं लेकिन इनसे इतनी अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होती, बस इससे एक लेयर लग जाती है। अगर आपने कोई एक शेड सिंपली लगाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा है इसमें ये बहुत ही क्यूट 2 ब्लेंडिंग ब्रश, लेकिन ये फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है, इनके भी ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये आप देखें, लेकिन अगेन ये फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है। इसके अलावा ये एक बहुत ही छोटा क्यूट सा ब्रश है, और इससे आप अपने आईज़ की इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकती हैं, अपनी जो ब्रो बोन है इससे उसको हाईलाइट कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा। और एक इसका एज सा बना हुआ है, आपको मुझे नहीं पता कि नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन इसका एक बहुत ही प्यारा एक एज बना हुआ है, तो सीधा सीधा जैसे उस पे लगेगा, ब्लेंडिंग के लिए नहीं इसको यूज़ कर सकते। इसके अलावा जो ये ब्रशेस हैं, ये भी लोअर लैश लाइन को आपने वो शेडो वगैरह कोई लगा के मर्ज करना हो काजल वगैरह के साथ, ये दोनों ब्रश बिल्कुल सेम हैं, तो ये उसके लिए यूज़ हो सकते हैं। और ये वाला ये गई फ्लफी ब्रश है, एक होता है बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश होता है और एक छोटा, तो ये आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने किसी छोटे से हिस्से को ब्लेंड करना हो आइस पे, बाज़ अवकात कट क्रीज करके आपने उसको मर्ज करना होता है, शेड को मिक्स करना होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब सारे ब्रशेज इसने काम किया, और 250 में डिलीवरी के साथ मिलना बहुत ही अच्छी एक बात है। अगर आप ये ख़रीद लेते हैं, और जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में जो ब्रशेस दिखाए हुए हैं आप वो ख़रीद लेते हैं, तो एक बंदे के लिए इतना काफ़ी होता है, क्योंकि हमने डेली तो मेकअप करना नहीं होता और ना ही इतने यूज़ करने होते हैं। आम रूटीन में तो जैसे किसी फंक्शन पे या किसी के घर जाना है तो ही चीज़ें यूज़ होती हैं, तो अगर आपके पास ये हों, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको कौन कौन से ब्रशेस दिखाए थे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक ये वाला ब्रश दिखाया था, फाउंडेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा मैंने ये पैक ऑफ 2 दिखाया था, ये भी बहुत ही अच्छा है, फ्लफ़ी है, सॉफ्ट है, और ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश मस्ट ख़रीदें, ये फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश है और ये बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो ये ज़रूर ख़रीदें, अच्छे बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, वरना तो बेकार चीज़ों की तो ढेर होती है। और ये जो था ये पैक ऑफ 6 ब्रशेस का सेट था, ये भी बहुत ही
रीजनेबल है और बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं। ये वाला और जो ये वाले 10 ब्रशेज हैं ना, ये मैंने एक स्टोर से बाय किए हुए हैं। जहाँ से मैंने ये ख़रीदे हैं 6 ब्रशेज का सेट, वहीं से मैंने ये 10 ब्रशेज का सेट ख़रीदा है। तो अगर आपके पास ये सारे ब्रशेज हैं तो एक बंदे के लिए बस इतना काफ़ी होता है, उसको कुछ भी और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मार्केट में लेने जाएंगे, आपको बहुत से ब्रांड के छोड़ के आम जो भी ब्रशेज हैं 1000, 1500, 800, 700 इस तरह के आपको सेट मिलते हैं। लेकिन बात ये होती है कि उनमें ना पाउडर ब्रश, ब्लशन ब्रश वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बंदा जो है वो ब्लशन के लिए एक ही ब्रश उसके लिए काफ़ी है, अगर वो फाउंडेशन का यूज़ करता है तो एक काफ़ी है, पाउडर ब्रश एक काफ़ी है। चाहिए होते हैं तो ब्लेंडिंग ब्रशेस आईज़ के, क्योंकि आप एक शेडो यूज़ करते हैं, अगर वो डार्क होता है फिर आप उसी वक्त दूसरा आई शेडो उस पर लगा के मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के ब्रशेस ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपको जब भी ब्लेंडिंग वगैरह की ज़रूरत पड़े तो आपके पास साफ़ ब्रशेस पड़े हों, ताकि आपका जैसे जो भी मेकअप है वो ख़राब ना हो। तो जब आप एक पैक ख़रीदते हैं ना, उसमें इस तरह के ब्रशेस की भरमार होती है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। इस तरह के अगर इस तरह के बीच में ब्रशेस होंगे 5-6 और इस तरह के ही बीच में 5-6 वो रखे होंगे, 12 का सेट बनाया होगा, तो इसलिए मुझे पैकेट ख़रीदना बिल्कुल नहीं पसंद। तो अगर आप इनमें से जो भी ब्रशेस ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, आप ज़रूर ख़रीदें। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। जो भी ख़रीदना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर ले। और ये जो पहले ब्रशेस मैंने रिव्यू दिए हुए हैं, इनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ताकि जिसने नहीं देखे और वो ये ख़रीदना चाहता है तो वो वहाँ से जाके चेक कर ले। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।